हिमाचल शिक्षा समिति द्वारा चलाए जा रहे माधव सृष्टि परिसर अश्विनी खंडगढ़ की सेर सोलन में 10 अप्रैल को राज्यपाल 6 करोड़ की लागत से बनने वाले माधव योगाश्रम का भूमि पूजन कर निर्माण कार्य का शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें कि कोरोना की विकट परिस्थितियों के कारण निर्माण भवन कार्य में विलम्ब हो गया था। आने वाले 3 सालों में ये 3 मंजिला विश्राम योगाश्रम बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें 60 से 70 लोगों के ठहरने की सुविधा के साथ साथ ध्यान कक्ष, योग भवन का निर्माण किया जाएगा। निकट में हमने 11 एकड़ जगह में एक स्वास्थ्य का तीर्थ क्षेत्र बना रहा है। उसमें जितना भी योग प्राणायाम मुद्रा एक्यूप्रेशर से स्वास्थ्य सुधारने का व्यवस्था है वो भी करना है, और हिमाचल यानी जड़ी बूटियों का व्यवस्था है उसको भी ठीक करना है, यानी उसका सदुपयोग करना है, उसको समझ के सदुपयोग करना है। और पंचगव्य, गौ माता के पंचगव्य से बहुत बीमारी ठीक हो सकता है, वो सारे सिखाना है। इस कारण से हमने एक ट्रेनिंग सेंटर, ये तैयारी 2 साल से तीव्र गति से शुरू हो गया। वैसे तो वो परिसर 10 साल से निर्माण हो रहा है, अभी आने वाले 3 साल में ये और एक स्टेज पूरा हो जाएगा। उसके लिए हमने राज्यपाल जी से प्रार्थना किया, महामहिम जी उसके लिए आने के लिए तैयार हो गए। 10 अप्रैल को लगभग 10 बजे कार्यक्रम शुरू होगा, फिर उस कार्यक्रम में उन्होंने कार्य का शुभारंभ करेंगे।